देश के ज्यादातर हिस्से इस समय कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। कश्मीर और लद्दाख में पारा शून्य के नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं कि सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। लेकिन किसी इलाके में कोल्ड वेव कब मानी जाती है, कोल्ड वेव और कोल्ड डे में क्या फर्क होता है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर से किसी तरह की राहत न मिलने का अनुमान जताया है और IMD ने भविष्यवाणी की है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। इस दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ठंडी हवा बह सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिन संभल कर रहना होगा। अब ये जान लीजिए कि कब होती है कोल्ड वेव। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए कोल्ड वेव के पैमाने अलग अलग हैं। जैसे मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव किसी वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे, या फिर ये सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो, तो ये स्थिति शीतलहर कहलाएगी। इसके अलावा अगर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तो ये कोल्ड वेव मानी जाती है। पहाड़ी इलाकों में कोल्ड वेव कब से माना जाता है, तो पहाड़ी इलाकों में अगर न्यूनतम तापमान 0 या उससे नीचे हो जाए तो कोल्ड वेव मानी जाती है। इसके अलावा अगर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो तब भी कोल्ड वेव की स्थिति होती है। कोल्ड डे कब होता है? अगर किसी इलाके में लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और उस दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री तक कम हो, अगर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरावट दर्ज हो तो सीवियर कोल्ड डे यानी गंभीर ठंड वाला दिन माना जाता है। इसके अलावा आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि मौसम की खबरों में तापमान बताने के लिए अक्सर एक टर्म इस्तेमाल होता है, सामान्य से अमुक डिग्री नीचे या फिर सामान्य से अमुक डिग्री सेल्सियस ज्यादा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।